गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम बैक। सो गाइस, एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीन्स हमने डिस्कस किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद का गठन। आफ्टर दैट द थिंग दैट वी डिडंट डिस्कस एट दैट टाइम ड्यू टू a lapse of time we are going to discuss here, and that is Council of Minister and Cabinet. Okay, there are two words. The first one is Council of Minister and the next one is Cabinet. Okay, so the Council of Ministers and the Cabinet. So guys, actually in our book it is described in a general manner as Council of Minister, okay? Lekin, we have to keep this thing in our mind that Cabinet and Council of Minister are same but different. Ek hai, lekin alag alag hai. How? Let's discuss about that. So guys, Constitution mein Article 74 jo hai, wo क्लियरली मैंशन करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो सजेस्ट करेगी प्रेसिडेंट को कि कैसे काम करना है, हाउ टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, विच विल बी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये तो एक सिंपल सा पॉइंट है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। अब हमने ये भी डिस्कस किया था दैट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वी आर हैविंग थ्री कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब आपको एक पॉइंट ये माइंड में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी there is no description about the categories of ministers in the council of ministers, yani constitution kahin bhi describe nahi karta about these types, about these categories. Okay, we have adopted the system from Britain, so jaisa Britain mein hai we have also adopted the same. Ab in teeno categories mein yani cabinet, state or deputy, out of these three parts the most important one is the कैबिनेट। ओके, कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन एंड दिस कैबिनेट इज जनरली फॉर्म्ड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स, मीन्स वी कैन से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी विच एंजॉय मेजोरिटी इन लोकसभा, विच इज जनरली रिलेटेड और रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, आर अपॉइंटेड एज द कैबिनेट मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द वर्क रिलेटेड विद द गवर्नमेंट, और वी कैन से दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मोस्टली परफॉर्म्ड बाय दीज कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो तीनों कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट है वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है वो इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर टेक रेगुलर मीटिंग्स ऑफ दीज कैबिनेट मिनिस्टर्स, द स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स आर इनवाइटेड ओनली व्हेन स्पेशल रिक्वायरमेंट इज देयर, यानी स्टेट मिनिस्टर्स जिनके पास में उनका खुद का स्मॉल इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है, इफ ड्यूरिंग द डिस्कशन देयर इज एनी नीड of discussion with these ministers only then they are invited, otherwise the cabinet ministers take regular meetings, weekly meetings with the prime minister. Okay, means most of the policy formation cabinet ke dwara hi hota hai. So in this way if we talk about the difference between the council of minister and the cabinet, yadi cabinet aur council of minister ke beech ka jo difference hai usko discuss kiya jaye to simple sa point ye hai that council of minister is larger than the cabinet. Okay, cabinet consists just one type of ministers, on the other hand council of minister consists three types of ministers. सबसे major difference है इसका कि दोनों में यदि discuss किया जाए तो council of minister में three types of ministers include होते हैं, they are cabinet ministers, state ministers and deputy ministers. Okay, on the other hand cabinet जो है that is only consisting cabinet ministers, यानी इसमें सिर्फ cabinet ministers ही include होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज यदि हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बड़ा है, इट इज़ ग्रेटर दैन द
कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट द पावर्स देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंपैरिजन में पावर्स का यूज कैबिनेट ज्यादा करता है. ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हिंदी में मंत्री परिषद कहते हैं जबकि कैबिनेट को मंत्री मंडल कहते हैं. तो एक्चुअल में जो पावर है वो कैबिनेट के हाथ में ही होती है, यानी कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बजाय कैबिनेट के हाथ में ही पावर होती है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट द मिनिस्टर्स ऑफ द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कैबिनेट यूज लेस पावर. ऑन द अदर हैंड द मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट आर द मोस्ट पावरफुल एंड दे यूज मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रिलेटेड विद द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव. इज दैट क्लियर? ओके, अलोंग विद दैट कैबिनेट हैव रेगुलर मीटिंग्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव ओनली प्री डिफाइंड मीटिंग्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज. यानी इनकी वीकली मीटिंग्स होते हैं जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसकी मीटिंग्स, यानी सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग जब होती है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड होती है, और ऐसी मीटिंग्स जो होती हैं वो कभी कभार स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में ही होती है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दी कैबिनेट, यानी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बीच का डिफरेंस. तो मंत्री परिषद एक्चुअली बड़ा है, उसमें ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स कैबिनेट, स्टेट एंड डेप्यूटी इंक्लूड होते हैं. ऑन दी अदर हैंड कैबिनेट स्मॉल है और उसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स ही इंक्लूड होते हैं. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. ओके, आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द पावर्स देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अदर जो टू मिनिस्टर्स होते हैं वो पावर का यूज नहीं करते हैं, जबकि कैबिनेट में सारे मिनिस्टर्स ही पावरफुल होते हैं. यानी कैबिनेट ज्यादा पावरफुल इन कंपैरिजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इज दैट क्लियर? कैबिनेट वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट होता है. ओके, कैबिनेट की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जबकि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग्स होती हैं वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में ही स्पेशली इन्वाइट की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर. इज दैट क्लियर? ओके, now the next point is related with the powers of council of minister or we can say that powers of cabinet. okay guys, yadi powers ka question pucha jata hai then if we talk about the powers of council of minister then the powers of cabinet we also include here. okay, यानी जब पावर्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो कैबिनेट के लिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कोई अलग अलग आंसर नहीं बनेगा. ओके, सो इन ऑल दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर और कोई एग्जाम हो, कि आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब पावर्स का डिस्कशन आता है तो वो सेम ही रहेंगी. इज दैट क्लियर? ओके, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी पावर कौन यूज करेगा? कैबिनेट. यानी कैबिनेट भी किसका पार्ट है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का. सो द पॉइंट इज the powers used by the cabinet. okay, the powers used by cabinet. so guys, cabinet or we can say that as we have adopted the parliamentary system of governance, so in this way in India the actual power holder is the prime minister and his council of minister. okay, to jo bhi executive powers means as we discussed that under article 53 of the Indian constitution all the executive powers are invested in the president, they inherited in the president. yani central government ki jitne bhi executive powers hoti hain they all are inherited in the president. but article 74 says that the president use these powers with the advice of Prime Minister and his Council of Minister. So guys, advice या सलाह के आधार पर ही President अपनी powers को use कर सकता है. अब ये advice word जो है ना ये सिर्फ सैद्धांतिक है, it is just in principles. okay, but in practical all these powers are used by the Prime Minister and his Council of Minister. यानी ये सिर्फ एक सैद्धांतिक एक शब्द है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सलाह के आधार पर काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में प्रेसिडेंट कंपेल्ड है उस एडवाइस को मानने के लिए. सो इन दिस वे वी कैन से दैट इन रियलिटी द पावर्स प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट आर यूज्ड बाय द कैबिनेट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, एंड दैट्स व्हाई कैबिनेट इज नोन एज द
हार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, कैबिनेट इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट कैबिनेट इज द हार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, यानी कैबिनेट को भारतीय प्रशासन का हृदय कहा जाता है. कैबिनेट इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि कैबिनेट ही सारी पावर्स को यूज करता है. जस्ट लाइक हार्ट वर्क इन अवर बॉडी टू पंप द ब्लड एंड इन दिस वे इट मेक द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड विद द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अवर बॉडी मूव एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर डिपेंडिंग ऑन दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. तो वैसे ही सारी पावर्स को यूज करती है कैबिनेट और बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारा हार्ट वर्क करता है. सो इन दिस वे कैबिनेट इज रेफर्ड एज द हार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये हार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जब इसको कहा गया इसका मतलब इट इज हैविंग सम पावर्स. सो विच आर दीज पावर्स. इफ वी टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ द कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देन द फर्स्ट पावर इज रिलेटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज. ओके, सो गाइज कैबिनेट फॉर्म पॉलिसीज. ओके, मीन्स वी कैन से दैट द पॉलिसीज रिलेटेड विद द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलॉन्ग विद दैट द पॉलिसीज विच डिसाइड द फॉरेन रिलेशंस. ओके, यानी हमारी कंट्री में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कैसे वर्क करेंगी, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वर्क करने के लिए कौन से पॉलिसीज़ को फॉलो करना है एंड अलॉन्ग विद दैट इंडिया फॉरेन कंट्री के साथ में कौन सी कंट्री के साथ में कैसा रिलेशन बनाएगा, ये सारी पॉलिसीज़ किसके द्वारा बनाई जाती हैं, बाई दी कैबिनेट, बाई दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, सो इन दिस वे द फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद दी फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, यानी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना. सो द नेशनल पॉलिसीज रिलेटेड विद द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू रन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड अलॉन्ग विद दैट टू मेक द फॉरेन रिलेशंस. यानी फॉरेन रिलेशंस में अलग अलग कंट्री के साथ में हमारा कैसा रिलेशन होगा, कौन सी पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे. जस्ट लाइक वी आर हैविंग डिस्प्यूट विद पाकिस्तान विद चाइना, सो विच काइंड ऑफ पॉलिसीज वी आर फॉलोइंग एट दिस टाइम, अवर कंट्री इज फॉलोइंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, इट इज ऑल डिसाइडेड बाई दी कैबिनेट. इज दैट क्लियर? तो जैसे चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, तो चाइना पाकिस्तान के खिलाफ हमारी आर्मी अटैक करेगी या फिर हम उनको डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर सॉल्व करेंगे, या फिर हम अलग अलग कंट्रीज़ को चाइना के अगेंस्ट खड़ा करेंगे, अलग अलग कंट्री जो चाइना के अगेंस्ट हैं उनसे अपना सपोर्ट लेंगे. सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, फॉरेन रिलेशंस में आते हैं. और ये फॉरेन रिलेशंस जो हैं उन वो किस पॉलिसी के बेस पे चलेंगे, दैट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाई दी कैबिनेट. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी पॉलिसी जो होती है वो कानून कब बनती है, जब वो बिल बन करके प्रेजेंट होती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से पहुंचती है प्रेसिडेंट के पास में. ओके, तो पॉलिसी को कानून बनाना भी किसकी जिम्मेदारी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और दी कैबिनेट. ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट द कैबिनेट कंट्रोल लो मेकिंग. ओके, कैबिनेट कंट्रोल lawmaking. So the lawmaking process is controlled by the cabinet. In simple terms, we can say that the cabinet is responsible for the formation of policies and along with that, it is also responsible to decide the structure by which the policy will become a law. ओके, यानी वो पॉलिसी कानून कैसे बनेगा ये डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, कैबिनेट की होती है. मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है कि पहले वो पॉलिसीज को बनाते हैं एंड आफ्टर दैट दे विल प्रेजेंट इट इन दी पार्लियामेंट, इन लोकसभा और इन राज्यसभा, एंड आफ्टर दैट इट विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट एंड फाइनली साइन बाय प्रेसिडेंट एंड इन दिस इट विल बिकम अ लॉ. तो लॉ कैसे बनेगा, कौन सा मिनिस्टर उस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा, उसके अगेंस्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें उन क्वेश्चंस को कौन सा मिनिस्टर कैसे डिफेंड करेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है लॉ फॉर्मेशन का ये
डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट करती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है. ओके, सो इन दिस वे द कैबिनेट ऑल्सो कंट्रोल द लॉ मेकिंग प्रोसेस. ओके, सो कंट्रोल ओवर लॉ मेकिंग और कंट्रोल ओवर लॉ मेकिंग प्रोसेस यानी कानून बनाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण. दिस इज द नेक्स्ट पावर राइट फंक्शन वर्क ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट. So guys, as we have already discussed that the executive powers under Article 53 are provided to the president, are inherited in the president, but Constitution also says that under Article 74 that these powers president will use on the advice of the Council of Minister. Yani hum ye keh sakte hain कि नेशनल एग्जीक्यूटिव जो होती है उसके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल, सुप्रीम अथॉरिटी किसकी होती है? कैबिनेट की होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विथ सुप्रीम कंट्रोल ओवर सेंट्रल और वी कैन से दैट नेशनल एग्जीक्यूटिव. ओके, नेशनल एग्जीक्यूटिव. सो द एग्जीक्यूटिव पावर्स रिलेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट आर यूज्ड बाय द डिफरेंट मिनिस्टर्स. ओके, बाय द डिफरेंट मिनिस्टर्स रिलेटेड विद द कैबिनेट, रिलेटेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड दीज मिनिस्टर्स यूज दीज पावर्स बाय dividing the different ministries or different departments among themselves, and these different ministers will chair these departments, these ministries, and they will be responsible for these ministries, for the working work related with that particular ministry. Is that clear? So simple sa point ye hai ki jo executive powers actual mein president ke paas mein ya president ke naam par दी जाती हैं, दे आर यूज बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बाई द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और इनको यूज करने का तरीका क्या होता है कि हर एक जो मिनिस्टर होता है वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चेयर करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, यानी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं, वो अलग अलग पावर्स को, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट की होती हैं उनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, और इस प्रकार वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जरिए अपनी इन पावर्स को यूज़ करते हैं. यानी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चेयर करता है, उससे रिलेटेड होता है, एंड इन दिस वे ही यूज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विच इज़ इनहेरिटेड इन द प्रेसिडेंट. Is that clear? So in this way, the supreme control, the supreme authority over national executive is also in the hands of cabinet, in the hands of council of ministers. Clear हुआ कि council of ministers जो है वो राष्ट्रीय कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग भी करता है, उनके ऊपर जो highest authority होती है वो cabinet की होती है, council of minister की होती है. Is that clear? Okay. Now after that, the next point is the financial power. Okay, the financial power, or we can say that the financial work. So guys, as we have already discussed that, and Article 266 of Indian Constitution says that the central executive, the Prime Minister and his Council of Minister, won't be able to use the public money or the money collected in the form of tax from the public until they will not get the consent of the Parliament of Lok Sabha. Okay, yani Article 266 clearly kehta hai ki jab tak Prime Minister uski Council of Minister ko Parliament ka consent nahi milta, yani Parliament jab tak bill bana karke अपना एक्सेप्टेंस, अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तब तक जो मनी टैक्स के रूप में पब्लिक से कलेक्ट की गई है या फिर जो अदर सोर्सेज से जो पैसा कलेक्ट किया गया है वो गवर्नमेंट उस कंसोलिडेट फंड से, उस नेशनल ट्रेजरी से यूज़
नहीं कर सकती. सो इन दिस वे द फाइनेंशियल पावर इज रिलेटेड विद दैट वर्क, इट इज रिलेटेड विद गेटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर यूजिंग दैट पब्लिक मनी. यानी सिंपल सा टर्म ये है कि जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को लेकर प्रपोजल्स बनाते हैं, दे विल सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द फाइनेंस मिनिस्टर, एंड फाइनली द फाइनेंस मिनिस्टर will make a budget which will be accepted by the Prime Minister first, and then with the prior permission of the President it will be presented in the Parliament by the Finance Minister, and finally the Finance Minister will get the consent of the Parliament. Is that clear? So simple sa term ye hai ki jo budget hota hai, budget means the annual इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल, यानी एक ऐसा बिल या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा डेटा जो जुड़ा हुआ होता है एक कंट्री के एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी जो एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर होता है कि इस साल हमें इतनी इनकम होगी और उस इनकम को हम इन इन अलग अलग सोर्सेज के जरिए इन इन सेक्टर्स में यूज़ करेंगे. ये पूरा जो डेटा होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, वही बजट होता है. ओके, और इस बजट के जरिए ही गवर्नमेंट को परमिशन मिलती है या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको परमिशन मिलती है उस पब्लिक मनी को यूज़ करने की. और इसके लिए जो कैबिनेट होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो बजट प्रिपेयर करती है. ठीक है, और ये बजट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके द्वारा लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है. सो इन दिस वे द कैबिनेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो एंजॉय द फाइनेंशियल पावर. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पावर. सो गाइज, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट द या फिर एट प्रेजेंट की बात करें, जैसे हमने पढ़ा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्रांस गए और फ्रांस जाने के बाद में उन्होंने रफाल डील की. इसके अलावा हमने S-400 रशिया से ख़रीदा. हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रशिया पे गए और वहाँ पे जाकर के उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया. ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था प्रेसिडेंट की पावर्स में, एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्रेसिडेंट की पावर का एक पार्ट है फॉरेन पावर, जिसमें हमने डिस्कस किया दैट ऑल द एम्बेसडर्स ऑफ different countries which are appointed by these countries in India are welcomed by the president, and along with that we also discussed that the ambassadors of India are appointed in different countries by the president, and the different alliance agreements, pacts which are signed by India with different countries are also signed by the president. हमने ये पढ़ा था, ये सारे जो होते हैं वो president के नाम से होते हैं. But यहाँ पर आपको ये point ध्यान में रखना है कि ये जो सारे foreign रिलेशन से जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं, ये पावर एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट के द्वारा यूज़ की जाती है. ओके, सो इन दिस वे दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, सो वी कैन से दैट पावर रिलेटेड विथ फॉरेन रिलेशंस. ओके, यानी विदेशिक संबंधों से संबंधित पावर. ओके, द पावर रिलेटेड विथ फॉरेन रिलेशंस. ठीक है, सिंपल वे में समझना है, द पॉलिसीज विच इज अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय इंडिया फॉर द डिफरेंट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका, विच इज विच नेबरिंग कंट्रीज अवर फ्रेंड, विच इज अवर एनमी, विच काइंड ऑफ पॉलिसी विल अडॉप्ट अगेंस्ट दैम, इफ वी विल अपोज दैम और वी विल सपोर्ट दैम एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड वेदर वी विल ज्वाइन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर डिसाइडेड बाई दी कैबिनेट. यानी नेशनल लेवल के ऊपर ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं. इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे द फॉरेन रिलेशंस आर डिसाइडेड बाई द कैबिनेट, द फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन पैक्स, एग्रीमेंट्स आर ऑल दीज थिंग्स आर साइन बाई द कैबिनेट ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. इन दिस वे दिस पावर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पावर ऑफ the कैबिनेट. यानी फॉरेन रिलेशन की पावर भी कैबिनेट की पावर का एक पार्ट होता है. इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर इज द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट. ओके, सो गाइज, एज वी हैव डिस्कस दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट डिफरेंट ऑफिसर्स, लाइक ही अपॉइंट द Prime Minister on the advice of Prime Minister, the other ministers. Along with that, he also appoint the judges of Supreme Court, judges of High Court, okay,
chief election commissioner, other election commissioners, and along with that officers of UPSC, officers of CBI, officers of CBSE. All these appointments are made by the president, but this power is actually used by the prime minister and his council of minister. Yani hum ye keh sakte hain, the power of appointment is also a power of the council of minister. We can say that the power of appointment of the president is actually the power of appointment of the council of minister or the कैबिनेट. यानी पावर ऑफ अपॉइंटमेंट की जो पावर हम प्रेसिडेंट के नाम से डिस्कस करते हैं, एक्चुअली वो किसकी पावर है? दैट इज द पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द कैबिनेट. इज दैट क्लियर? ओके. सो इन दिस वे प्रेसिडेंट मेक अपॉइंटमेंट्स लाइक द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, ऑफिसर्स ऑफ यूपीएससी, ऑफिसर्स ऑफ सीबीएसई, ओके, अलॉन्ग विद दैट ऑफिसर्स रिलेटेड विद द election commission of India, chief election commissioner, along with that the appointment of governor, appointment of judges, okay, judges of supreme court and judges of high court, chief justice of supreme court, chief justice of high court, and along with that the CAG, okay, comptroller and auditor general. All these appointments are made by the president, but president made all these appointments on the advice of the council of minister and the prime minister. So in this way, this is also a power of the council of minister. Yani UPSC, CBSE के ऑफिसर्स, इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर्स जो अलग अलग स्टेट्स में अपॉइंट किए जाते हैं, राज्यपाल जो अपॉइंट किए जाते हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग जो बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बनाए जाते हैं, न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश एंड चीफ जस्टिस हो या फिर अदर जजेस हो, अदर जस्टिस हो, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक्चुअल में किया तो प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है, बट ये पावर यूज कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यानी प्रेसिडेंट ये सारे अपॉइंटमेंट किसके एडवाइस पे करेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड दैट इज द पावर रिलेटेड विद आर्टिकल 352. Yeah, you are right. That is the power related with emergency declaration. Okay, I think आप समझ गए होंगे आर्टिकल 352 का नाम लेते ही कि ये कौन सी पावर होगी. ओके, जस्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट आर्टिकल 352 एंड द एमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में भी. ओके, जो आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में मोरारजी देसाई के टाइम में हुए थे. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अब एमरजेंसी डिक्लेरेशन का पावर भी किसकी पावर का पार्ट हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का. ओके, सो टू डिक्लेयर एमरजेंसी, रिटन कंसेंट ऑफ द कैबिनेट is compulsory. ओके, यानी पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ऐसा हो सकता था, बट एट प्रेजेंट अलोंग विद द रिटन कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द रिटन कंसेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वी कैन से दैट द कैबिनेट इज ऑल्सो नेसेसरी, इट इज ऑल्सो मस्ट. इज दैट क्लियर? तो एमरजेंसी पावर भी कैबिनेट की पावर का एक पार्ट होता है. मीन्स एमरजेंसी डिक्लेरेशन इज ऑल्सो अ राइट, अ पावर, अ फंक्शन, अ वर्क ऑफ कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो गाइस, इन दिस वे हियर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. की कैबिनेट जो है वो छोटा होता है, मतलब साइज में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ा होता है. कैबिनेट ज़्यादा पावरफुल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेस पावरफुल होता है. कैबिनेट की रेगुलर मीटिंग्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग्स होती हैं वो स्पेशल
इनविटेशन के ऊपर ही, स्पेशल सिचुएशंस में ही इन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स में सिर्फ एक ही टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 types ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, स्टेट और डेप्यूटी इंक्लूड होते हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द कैबिनेट, अंडर विच वी डिस्कस दैट द कैबिनेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म पॉलिसीज फॉर द नेशन, मीन्स द फर्स्ट वर्क इज रिलेटेड विथ नेशनल पॉलिसी फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया दैट इज रिलेटेड विद द कंट्रोल ओवर लॉ फॉर्मिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट नेशनल एग्जीक्यूटिव पावर इज ऑल्सो यूज बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द फाइनेंशियल पावर, द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द एमरजेंसी पावर्स। ओके, सो इन दिस वे वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो गाइज, अबाउट द रिमेनिंग थिंग्स, मीन्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे एट योर होम, बी सेफ, एंड गाइज आई विश दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर knowledge. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.